चिटफंड के नाम पर करोड़ों रुपए की रकम हड़पने वाले वांछित अभियुक्त को पुलिस ने जयपुर राजस्थान के एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। आरोपी करोड़ों रुपए का गबन करके बाहर जाने की फिराक में था, तभी पुलिस ने एयरपोर्ट से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर के नगीना में सालों से चल रहे और अल फैजान मुस्लिम फंड के नाम से फैज चिट फंड चला रहा था। चिट फंड में करोड़ों उपभोक्ताओं ने रकम जमा कर रखी थी, वही करोड़ों रुपए की रकम को फैज हजम कर गया और चिट फंड को बंद करके फरार हो गया था। तभी से बिजनौर पुलिस आरोपी फैज को आसपास के राज्यों में तलाश कर रही थी। आज पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए जयपुर राजस्थान के एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में अन्य आरोपियों को भी टारगेट किया है। 12 जनवरी को थाना नगीना पर एक अल फैजान मुस्लिम फंड नाम का ट्रस्ट से ने काफी लोगों का पैसा लेके भागने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें मुख्य आरोपी जो फैजी करके था, जो मुख्य आरोपी था, जो इस ट्रस्ट को संचालित करता था और ट्रस्ट का पूरा देखरेख करता था, वो कल सऊदी अरब से आया और जयपुर एयरपोर्ट पर, चूंकि हम लोगों द्वारा लुकआउट करना नोटिस पहले से जारी की गई थी, वहाँ पे पकड़ा गया। जयपुर एयरपोर्ट द्वारा हमको सूचना दी गई, आज इस सुबह यहाँ पर लाया गया और आप लोग समूह पेश किया गया है। इसके द्वारा ही एक बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। आज इसको विधिक प्रक्रिया करते हुए समुचित धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। इसने किसी और लोगों के अपने नाम बताए हैं? कुल मिला के जो वर्तमान समय में जो इनका ट्रस्ट है वो कानपुर से रजिस्टर्ड है, उसमें 4 लोग हैं, जिसमें एक इसकी बहन है, 2 लोग अन्य हैं। एक इनका और मुख्य साथी था जो करप्शन करता था, उसको पहले से जेल भेजा जा चुका है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, शीघ्र उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।